नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग क्या बोल रही है लाइफ लाइफ को बोलो यार शांत रहो थोड़ी देर हमें पढ़ना है ठीक है पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेट्स क्या होते हैं हम बात कर रहे हैं नवी कक्षा की मैथमेटिक्स किताब के सबसे पहले चैप्टर की ये किताब कहाँ पे है अगर आपको पता नहीं है इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां पर एक आपको लिंक दिखेगा जिस लिंक पर नवी कक्षा की मैथमेटिक्स की पी मैंने दे रखी है वो पीडीएफ है डिजिटल मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर उस चैनल को भी ज्वाइन करो ताकि आप रेगुलर अपडेट पाते रहो ठीक है अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं पिछले लेक्चर में हमने ये टॉपिक सीखा है अब उस पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन यहां पर लिख दिया अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हमें पता है नेचुरल नंबर्स कौन से है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये जाता है पूरे इन्फिनिटी तक खत्म नहीं होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेकिन हमें इवन ये भी बताया गया है नेचुरल नंबर्स तो हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इन्फिनिटी तक इवन नंबर्स हो गए जीरो दो चार छ आठ दस ऐसे ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये ऐसे ये सारे हो गए नेचुरल नंबर्स हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स नहीं चाहिए नेचुरल नंबर्स जो इवन है तो वन नहीं आएगा इसमें दो आएगा तीन नहीं आएगा पाँच नहीं आएगा सात नहीं आएगा नौ नहीं आएगा तो एक कौन सा नंबर आएंगे टू फोर सिक्स एट और उसके आगे ठीक है तो हमारा सेट बनता है मान लीजिए सेट ए है सेट टू फोर सिक्स एट और ये आगे बढ़ता जाएगा इंफिनिटी तक सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम वन टू फिफ्टी मतलब उनके यूनिट डिजिट में जीरो टू फोर सिक्स या एट इनमें से कोई डिजिट होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए हमें पता है कि दुनिया में एकमात्र ये नंबर है दो जो इवन भी है और प्राइम भी है तो हमारा ये जो सेट है सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो है दो ठीक है तो हमारा जो ये सेट है बी इज इक्वल टू इसमें आएगा मेंबर दो खत्म अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स ये हमारी रही नंबर लाइन ये रहा ज़ीरो रही वन टू थ्री फोर बढ़ता जाएगा इधर ये रहा माइनस वन ये रहा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये बढ़ते जाएंगे इधर हमें पूछा है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इंटीजर्स चाहिए लेकिन वो निगेटिव चाहिए तो हम जीरो से लेफ्ट साइड वाले पार्ट लेंगे तो हमारा सेट क्या बन जाएगा फिर सी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये ऐसे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम अब सुर जो होता है या फिर सरगम जो होती है उसके सात बेसिक साउंड्स होते हैं वो कौन से मैं आपको बताता हूँ मान लीजिए अगर हम इसको सेट एस पकड़े तो वो आता है सा रे गा मा प ध नी एक दो तीन चार पाँच छः सात ये हो गए हमारे सात बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स जो हमें में नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको हमें वर्ड्स में लिखना है अब यहाँ पर पहला सेगमेंट क्या बोलता है फोर बाय थ्री बिलोंग्स टू क्यू हमने ये लेक्चर जब शुरू में सीखा था उसमें ये सीखा था कि जब कोई ऐसा साइन बना है तो उसका मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है ये इस सेट के अंदर होता है तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया फोर बाय थ्री बिलोंग्स टू द सेट क्यू क्यू ये जो सेट है उस सेट का ये मेंबर है कौन फोर बाय थ्री अब सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है माइनस टू डज नॉट बिलोंग टू एन हमने ये भी देखा था इसका मतलब है बिलोंग्स टू इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू मतलब माइनस टू इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन ये जो हमें यहां पर एन सेट दिया गया है माइनस टू उस सेट में नहीं है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है P इज अ सेट वेर P इज एन ऑड नंबर मतलब P उन सारे P का सेट है जो P ऑड नंबर्स है अब ये ऑड नंबर कोई भी हो सकता है एक हो सकता है तीन हो सकता है ग्यारह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस कुछ भी हो सकता है तो हमें यहां पर भी यहां से क्या सीखना है पी इज अट ऑफ ऑर्ड नंबर्स यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट P आर ऑड नंबर्स मेंबर्स ऑफ सेट P आर ऑड नंबर्स मतलब सेम ही है हमें बस एक तरीके से लिख देना है यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री हमें क्या कह रहा है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड मान लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल है सेट ए इज इक्वल टू लेटर एच लेटर ओ लेटर एम और लेटर ई ये हमारा एक सेट हो गया यहां पर हमने क्या किया एच ओ एम ई ये जो चार लेटर है उनका उनकी लिस्ट बना के सेट ए में डाल दी अब दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो लेंगे बी Is equal to I -N -D -A. ये हो गया हमारा दूसरा सेट जहां पर हमने लिस्ट किए हैं चार लेटर्स आई एन डी ए यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आई एन डी आई ए लेकिन एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखना काफी है अब क्या करते हैं इसी सेट को हम रोस्टर मेथड में लिख देते हैं क्या है एच ओ एम ई इन चार लेटर्स का सेट है कलेक्शन है ये चार लेटर लेके क्या कोई वर्ड बनता है होम रूल मेथड में लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स ए उन सारे एक्स चीजों का उन सारे एक्स एलिमेंट्स का सेट है जहां पर X इज लेटर ऑफ द वर्ड होम ठीक है ये है हमारी कंडीशन सिमिलरली हम अब क्या बोलेंगे जो हमारा B सेट है B इज इक्वल टू आई एन डी ए क्या इन चार लेटर्स को लेके कोई वर्ड बनता है बनता है आई एन डी आई ए जैसे कि मैंने पहले बताया था एक एलिमेंट एक ही बार लेना काफी है तो हम यहां पर लिखेंगे सेट बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया ठीक है मुझे पक्का यकीन है कि आपको समझ आ रहा है अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको कहां पे डाउट आ रहा है ठीक है तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर फोर हमें क्या बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर अब मान लीजिए हम उस सेट को नाम देते हैं ए ए इज सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर तो हमें यहां पर अब वो सेट लिखना है जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये हो गया हमारा सेट ये कौन सा सेट है ये सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर अब यहां पर हमें कौन सा सेट पूछ रहे हैं लेटर्स इन द वर्ल्ड लेटर्स इन द वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए वो सेट हम उस सेट को नाम देते हैं बी तो बी के मेंबर्स कौन से होंगे या फिर बी के एलिमेंट्स क्या होंगे सी ओ एम पी एल ई एम फिर से आ गया है हम इसे नहीं लिखेंगे E फिर से आ गया है हम इसे नहीं लिखेंगे एन और ये टी ये है आपका दूसरा सेट अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स सेंसरी ऑर्गन्स मतलब क्या हमारे शरीर पे ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जिनकी मदद मतलब से हम अलग अलग सेंसेशंस सेंस कर सकते हैं तो सी में आएगा आइज ईयर्स नोज़ टंग और स्किन ये जो है ये हमारे पाँच सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आइज मतलब आँखें जिनकी मदद मतलब से हम देखते हैं ईयर्स मतलब कान जिनकी मदद मतलब से हम सुनते हैं नोज मतलब नाक जिसकी मदद मतलब से हम चीज़ों की खुशबू बदबू ले सकते हैं स्मेल ले सकते हैं टंग मतलब जीव जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं और स्किन मतलब हमारी चमड़ी जिससे हम फील कर सकते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर इस सेट को हम नाम देते हैं डी तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे एक प्राइम है क्या नहीं है दो दो प्राइम है तीन प्राइम है उसके बाद चार नहीं है पांच प्राइम है छ नहीं है सात प्राइम है आठ नहीं है नौ नहीं है दस नहीं है ग्यारह प्राइम है बारह नहीं है तेरह प्राइम है चौदह नहीं पंद्रह नहीं सोलह नहीं सत्रह है अठारह नहीं है उन्नीस नहीं है एक ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है और जो बीस है वो कॉम्पोजिट है इसलिए ये दोनों मेंबर्स हमारे सेट में नहीं है अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इस सेट को मान लेते हैं ई ठीक है तो ई सेट क्या होगा देखो एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसके बाद आता है अफ्रीका उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका उसके बाद आता है साउथ अमेरिका उसके बाद आता है अंटार्कटिका उसके बाद आता है यूरोप और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया देखो ये जो क्वेश्चन है ये सारे स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे ये जो क्वेश्चन है ये वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे जिनका जनरल नॉलेज थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि दुनिया में जो सात कॉन्टिनेंट्स हैं उन सातों के नाम सभी स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी स्टूडेंट के आगे जाना है उनका छोड़ो यार उनसे हम कंपेयर करेंगे ही नहीं अगर आपको खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि जब पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे अब मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर फाइव लिख दिया क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड हमें सोचना है कि इन सारे एलिमेंट्स ने एक पैटर्न फॉलो किया है एक कंडीशन सेटिस्फाई की है एक सेंटेंस के अंदर बिठ जाते ये सारे तो वो पैटर्न कौन सा है वो कंडीशन कौन सी है जो ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे है? वो हमें ढूंढना है और उसको लिखना है एक रूल में ठीक है तो देखते हैं सबसे पहला क्या है सेट पहला सेट हमें कह रहा है ए इज वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एटी वन वन हंड्रेड अगर आप गौर से देखोगे इसे तो आपको पता चलेगा ये जो पहला एलिमेंट है ये एक का स्क्वायर है ये दो का स्क्वायर है ये तीन का स्क्वायर है चार का स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव पाँच का स्क्वायर, ये छः का स्क्वायर सात का स्क्वायर आठ का स्क्वायर नौ का स्क्वायर और ये दस का स्क्वायर अब हमें इतना तो पता चल गया है कि सेट ए जो है वो एक से दस तक जो नंबर्स है उन नंबर्स का स्क्वायर है राइट right? तो हम इसे सेंटेंस में ऐसे लिखेंगे रूल में ऐसे लिखेंगे देखो ए इज इक्वल टू एक्स वेर एक्स इज द स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इलेवन क्या सही आ रहा है देखो x इज द स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर हमारे पास कौन सा है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इन्फिनिटी तक जाते हैं लेकिन हमने इसको आगे जाके एक कंडीशन लगाई है कंडीशन क्या है नेचुरल नंबर का स्क्वेयर लेकिन वो नेचुरल नंबर ग्यारह से छोटा होना चाहिए मतलब नेचुरल नंबर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह नहीं ग्यारह से छोटे तो एक से लेकर दस तक जो नंबर है उन सभी का स्क्वेयर और उस तरीके से हमें अपना पहला सेट मिल जाता है दूसरे सेट में हमारे पास है सिक्स 12, 18, 24, 30, 36, 12, 42, और 48. अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलता है ये का टेबल है। फोर्टी 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, एट मतलब अगर हम किसी एक्स नंबर को छ से मल्टीप्लाई करेंगे छ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये x वन से लेकर आठ तक जाएगा ऐसे ऐसे तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अब हम इसे कैसे लिखेंगे रूल में देखो b इज इक्वल टू एक्स वेर एक्स इज इक्वल टू सिक्स एम ठीक है अब क्या करेंगे m के लिए हम अलग वैल्यू लिखेंगे m इज नेचुरल नंबर लेस देन नाइन अब जो हम हमारे पास m है वो नेचुरल नंबर है नौ से छोटा मतलब क्या हुआ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ करेक्ट ये जो नंबर्स हैं हमें इनको छः से मल्टीप्लाई करना है एक से मल्टीप्लाई करेंगे छः आएगा दो से करेंगे बारह आएगा तीन से करेंगे अट्ठारह चार से चौबीस पांच से तीस छः से छत्तीस सात से बयालीस और आठ से अड़तालीस ये हमारा आ गया सेट यहां पर इसको हम कई अलग अलग कंडीशंस में लिख सकते हैं कई अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं आपको जो सूटेबल हो रहा है या फिर आप उस मोमेंट में जो सोच पा रहे हो वो लिखना ज़रूरी है तीसरा सीट क्या बोल रहा है यहाँ पर हमें कुछ लेटर्स दिए गए एस एम आई एल ई अगर हम ढंग से देखें तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये जो लेटर्स हैं इनको मिला के एक वर्ड बनता है वो वर्ड है स्माइल एस एम आई एल ई तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं सी वो सेट है जिसमें स्माइल वर्ड के लेटर्स है सिंपल चलो लिखते हैं फिर सी इज इक्वल टू एक्स एक्सर एक्स आर लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल एस है यहां पर एम है आई है एल है और ई e है डी सेट हमें क्या कह रहा है संडे मंडे ट्यूजडे वेजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये हमने पहले भी देखा था ये सीधे सीधे हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वेर एक्स आर डेज ऑफ अ वीक एक हफ्ते के दिन जो है उसको अगर हम एक्स मानते हैं तो वो सारे एक्स का गठा मतलब हमारा सेट डी है तो बेसिकली डी क्या है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अब जैसे हमने यहाँ पर स्माइल वर्ड के लेटर्स का कंडीशन दिया था यहाँ पर हम सिमिलर दे सकते हैं यहाँ पर वर्ड आप एट मतलब खा लिया ये भी दे सकते हैं T -E -A, ये भी दे सकते हैं या फिर ईट ये भी दे सकते हैं e X X ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फाइव मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रखे हैं और आप सभी के आंसर्स जैसे मैंने बताए हैं सेम आए हो करेक्ट आए हो जरूरी नहीं है कि एज इट इज आंसर आए आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं और सही हो सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर जो हमने पिछले एपिसोड में चैप्टर सीखा था और इस एपिसोड में हमने ये पूरा क्वेश्चन सेट सॉल्व कर लिया ये अच्छे से समझ आया होगा अगर समझ नहीं आया है तो एपिसोड को दोबारा देखो दोबारा देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछो कि मुझे सर ये, ये पार्ट समझ नहीं आया मैं तुरंत आपके जो भी डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा इसके अलावा आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ और आ, पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दे रखे हैं वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम है टेलीग्राम है फेसबुक है सारी जगह पर ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में हम सीखेंगे इसके अगला वाला पार्ट तब तक आप हंसते रहो खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो